एडवोकेट की और मैं हूँ मिर्जा प्रॉपर्टीज की तरफ से। ये अगर इस लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये है पनवेल में प्लस पे फाटे के यहाँ पे, और इसका जो लैंड पार्सल है वो है 32 acres का। और यहाँ पे अगर हम बिल्डिंग की टावर्स की बात करें तो वो 13 towers बन रहे हैं यहाँ पे, जिसका फेज़ वन है जो रेडी टू मूव इन है, और जो फेज़ टू है वो डेवलप हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी हम आ गए प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है टावर वन और टावर टू और टावर थ्री, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये G+27 story का है। अगर हम लोग यही तीन शिफ्ट टावर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो है 2 BHK 3 BHK, ओके। और जो हमारा फोर्थ टावर है वो भी फेज़ वन का ही पार्ट है, वो वहाँ पे है, वो भी G+27 story का है, पर वहाँ पे 3 and 4 BHK दोनों हैं। अभी हम लोग या बात करेंगे कि यहाँ पे 4 level का आपका पार्किंग दिया गया है। थर्ड वाले फ्लोर पे आपका पोडियम और एमिनिटीज़ है, और फोर्थ फ्लोर से चालू होते हैं आपके सारे फ्लैट। तो अभी हम चलते हैं एक्चुअल फ्लैट देखने। तो अभी हम आए हैं 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट देखने, जिसका बिल्डअप है 1415। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप आते हो लिविंग रूम में, जो है एक एल शेप्ड वाला। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको यहाँ पे आपका इंटीरियर माइंड जैसा कहे आपको करना, आप कर सकते हो। सोफा, टीवी यूनिट, और आप ये जो वॉलपेपर देख रहे हो ये आपको जिस फ्लैट में चाहिए वो आपको अवेलेबल है। एंड आप देख सकते हो कि ये एरिया हमारा डाइनिंग एरिया है, एंड एकदम फीजेबल है टू द किचन, क्योंकि ये एडजॉइनिंग है और हम डायरेक्टली किचन में हम एंटर कर सकते हैं। एंड आप देख रहे हो कि ये हमारा एक एल शेप्ड किचन है। आप ये गैस स्टोव देख रहे हो, आप चिमनी देख रहे हो, फिर अब यहाँ पे आओगे ये जो फॉसेट्स है, ये फॉसेट्स सारे ब्रांडेड फॉसेट्स है, एंड वो भी जगुआर के। एंड आपको साथ ही साथ एक्वा गार्ड का जो भी वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है वो भी आपको अवेलेबल है। दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विद बालकनी। और यहाँ जो आपका स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे इजीली आपका फ्रिज आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ, जो है हमारा कॉमन बेडरूम। या आपको इसको बोलना, अगर आपको कहना है कि यू वांट दिस टू बी अ किड्स रूम, और इवन इफ यू वांट दिस टू बी अ स्टडी रूम, या एक बहुत अच्छा स्टडी रूम बन सकता है जो अटैच्ड है एक्चुअली ब्यूटीफुल पैरापेट के साथ। यहाँ पे इजीली आपका स्टडी टेबल हो, या आपको किड्स रूम के लिए आपको कबर्ड स्पेस चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हो कि ये वेस्टर्न वॉशरूम है, एंड यहाँ पे आपके लिए पर्सनलाइज्ड शावर स्पेस है, एंड वेंटिलेशन विंडो, यहाँ पे आपका ड्रायर है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इजीली आपका किंग साइज बेड आ जाएगा, कबर्ड स्पेस, टीवी यूनिट, और हर जगह आपको उसके लिए सॉकेट्स अवेलेबल है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर एक रूम में आपके लिए वाटर स्प्रिंकलर्स अवेलेबल है, एंड ये भी अटैच्ड है बालकनी के साथ, जो आपको व्यू देता है लेक का और आपके सामने पोडियम का। तो अभी हम चलते हैं हमारे मास्टर वॉशरूम की तरफ। ये वॉशरूम हमारा वेस्टर्न वॉशरूम है। अगेन यहाँ पे भी आपको पर्सनल शावर स्पेस दिया गया है। और आपको ग्लास डोर भी है, वेंटिलेशन विंडो वगैरह हर एक चीज यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। तो अभी हम चलते हैं हमारे 3 BHK के सैंपल फ्लैट देखने। तो अभी हम आए हैं 3 BHK का एक्चुअल फ्लैट देखने, जिसका बिल्डअप है 2210। और ये जो हमारा फ्लैट है ये है फ्रंट फेसिंग का। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आप देख सकते हो राइट साइड पे स्पेस है, ये आपका शुराक स्पेस है, आप इजीली इसको डेकोर कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। तो अभी हम एंटर होते हैं, और जैसे ही हम एंटर होते हैं आप देखोगे कि हम लोग अभी लिविंग रूम में हैं, और
आप देख रहे हो जैसे ये हमारा एल शेप का लिविंग रूम है, जो यहाँ पे इजीली आपका सोफा सेट टीवी यूनिट आ जाएगा। और ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हो, ये हर एक फ्लैट में आपके लिए अवेलेबल है। एंड आप देख सकते हो कि ये आपको एक पैराफिट दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, और इसका जो व्यू है वो रोड व्यू है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक प्यारा सा हिल व्यू भी अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं जहाँ ये आपका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे इजीली आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्पेस है जो आपके उसी अपोजिट साइड पे आपके लिए फीजिबल कर देता है जो है हमारा किचन। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टू प्लेटफॉर्म किचन है। इसका ग्रेनाइट जो यूज़ किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा थिक है, दो बार यूज़ किया गया है इस चीज़ को, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और आप जो ये टाइलिंग देख रहे हो, ये टाइलिंग भी आपको अवेलेबल है। एंड आपको ये गैस स्टोव, ये चिमनी, एंड आप वहाँ पे देख रहे हो आपका जो वाटर प्यूरिफायर है, और ये जो टू सिंक आप देख रहे हो, एंड द फॉसेट जो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी से है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। एंड ये अटैच्ड है हमारे बालकनी के साथ, तो जब आप बालकनी में आओगे यहाँ पे आपके लिए वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया गया है, एंड आपको वाटर गीजर भी दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ। बट उससे पहले अगर आप यहाँ पे एक स्पेस देख रहे हो, जब आप किचन के बाहर निकलोगे, ये स्पेस आपके लिए फ्रिज की स्पेस है। अगर आपको यहाँ ओवन रखना है, कोई भी चीज़ आपको रखनी है, आप यहाँ रख सकते हो। दिस इज़ द प्लेस फॉर इट, एंड हर जगह आपको सॉकेट्स भी दिए गए हैं। तो जब हम कॉमन वॉशरूम की तरफ जाते हो, आप देखोगे आपके लिए यहाँ पे कॉमन बेसिन वगैरह यहाँ पे फर्स्ट आपको अवेलेबल है। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि ये हमारा एक वेस्टर्न वॉशरूम है, एंड इसके साथ अटैच्ड आपको यहाँ पे ड्राई बालकनी अवेलेबल है, और एक सेपरेट पर्सनल स्पेस है आपके शावर के लिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे कॉमन बेडरूम की तरफ। हमारे कॉमन बेडरूम में यहाँ पे इजीली आपको, अगर इसको स्टडी रूम बनाना है, आप बना सकते हो। इजीली आपका कबर्ड स्पेस है, क्वीन साइज बेड आ जाएगा, एंड टीवी यूनिट अगर आपको लगाना है तो वहाँ का हर जगह आपके लिए सॉकेट्स अवेलेबल है। एंड ये जो आप बालकनी देख रहे हो, ये एक अटैच्ड बालकनी है किचन, मेन बेडरूम एंड कॉमन बेडरूम का। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा पहला मास्टर बेडरूम, और ये भी आप अगर देखोगे इजीली आपका क्वीन साइज बेड आ जाएगा यहाँ पे। और ये हर जगह जो जितने भी आप वॉलपेपर्स देख रहे हो, ये सारे वॉलपेपर्स आपको सारे फ्लैट्स में अवेलेबल है। अगेन आप बालकनी का जो व्यू देखोगे वो भी अटैच्ड है तीन जगहों पे, और व्यू एज यूजुअल बहुत ज़्यादा प्रिटी है। रोड साइड व्यू है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा माउंटेन व्यू मिलता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी हमारा जो वॉशरूम है, ये वेस्टर्न वॉशरूम है। आपको यहाँ पे भी पर्सनलाइज स्पेस है आपके शावर के लिए, अगेन ड्राई बालकनी अटैच्ड है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मेन मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसका अगर आप फ्लोरिंग देखोगे तो वो पूरा वुडन फ्लोरिंग दिया गया है। और जैसे आप एंटर करोगे तो वो पहले स्टार्ट होता है, यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है। तो ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। आप जो टाइलिंग वगैरह देख रहे हो, ये सारे टाइलिंग आपको अवेलेबल है, और ये आपका सेपरेट शावर स्पेस है, अगेन बेसिन मिरर, एंड ये वेस्टर्न वॉशरूम है, एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। तो अभी हम हमारा ये प्यारा सा रूम देखते हैं। ये रूम हमारा वुडन फ्लोरिंग का है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इजीली आपका यहाँ पे कबर्ड स्पेस, किंग साइज बेड, स्टोरेज, टीवी यूनिट, हर एक चीज़ आ जाएगी। और ये भी अटैच्ड है एक बालकनी के साथ। तो अभी आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।